आंचल जी का और वंदना जी का, है ना? मैं वंदना जी का लूंगा, आंचल जी का लूंगा, देन सेशन विल बी क्लोज एंड आई नो आप एंजॉय कर रहे हैं सर प्रोग्राम। आई हाँ, सर आई ऑल्सो हैव फ्यू एक दो किसने डाउट्स बोला, हैं, आई मीन जो किसने अभी हम बोला, डिस्कशन कर रहे थे किसने उसी बोला, से रिलेटेड है। किसने बोला शालू कि ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट विल शालू बी द शालू लास्ट नेम फ्रॉम माई साइड। इसके बाद नहीं लेंगे बिकॉज ऑलवेज ऑलरेडी 2 आवर्स हो चुके हैं। वंदना जी एंड आई हु एल्स, नो आंचल जी एंड आंचल जी एंड देन थर्ड वन इज हलो जी। ठीक है बताइए। हाँ जी वंदना जी बताइए अपना कोई डाउट। हाँ सर, मेरे को बस ये क्लैरिटी करनी थी कि जैसे आपने बोला था ना कि नंबर्स को फॉलो करना है हमें, तो जैसे अपना फोन मोबाइल नंबर या हाउस नंबर या कुछ भी अकाउंट नंबर वो करना है, जैसे मोबाइल नंबर में जैसे जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स होते हैं वो तो सबके लिए सेम होते हैं, तो वो भी हम ऐड करेंगे या लास्ट मतलब लास्ट के 6 डिजिट या पूरा 10 नंबर ऐड करेंगे मोबाइल के? मोबाइल के तो पूरे के पूरे 10 नंबर ऐड करेंगे। अच्छा, बस वो कंफ्यूजन थी कि वो बाकी 4 सेम होते हैं सबके लिए, तो मुझे लगा कि वो नहीं करना। और जैसे किसी का हाउस नंबर है जैसे A20, तो A का भी हमें न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू लेनी है या सिर्फ 20 देखना? वो ना जनरली क्या होता है कि उस गली के अगर मतलब मानो अगर ए सब में कॉमन आ रहा है तो उस केस में ए नहीं लेंगे फिर, है ना? ओके ओके, ऐसा तो उसमें हम सिर्फ नहीं, नहीं नहीं 20 नहीं एक लेंगे सेकंड सिर्फ। एक सेकंड, मैं और किसी का डाउट नहीं लूंगा, पहले वंदना जी का ले रहा हूँ सिर्फ, है ना? हाँ वंदना जी। नहीं हाँ सविता, तो उसमें सर हम मैं सिर्फ, सविता बोल रही हूँ, मुझे खाली मैं लीव कर रही हूँ, आई एम सॉरी, हाँ, अब जा मुझे सकते हो, थोड़ा मैं आपको काम है। रिकॉर्ड, या यू विल गेट द, यू विल गेट द या रिकॉर्डिंग, यू गेट द ओके ओके, रिकॉर्डिंग। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ सर, बाय 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 एवरीबॉडी। हाँ 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 वंदना जी बताइए। तो मतलब जैसे ए हम नहीं लेंगे, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे, 20 लेंगे। करेक्ट करेक्ट, ओके बस, थैंक यू सर, दैट्स ऑल, ठीक हो है। गया। आंचल जी, आंचल जी बताइए। थैंक्स वंदना जी, आंचल जी बताइए। यस सर, थैंक यू। एक्चुअली ना मुझे 2-3 डाउट थे। तो आप जो नेम नंबर बता रहे हो वो हम चाइल्डियन के हिसाब से टोटल करते हैं या पंचों के, जैसे 1 to 9 हो चाइल्ड चाइल्डियन के गया? साथ ओके, एंड वन मोर डाउट ये था कि नो मेरे यू नो हमारे फैमिली में जैसे बेबी विच इज बॉर्न, बट वो इंडिया के ही है, बट अभी दुबई में है बिकॉज कोरोना की वजह से वो अटक गया। आप कहाँ पे उस टाइम? चेन्नई मैं चेन्नई। में हो? हाँ जी अच्छा चेन्नई में हो आप, अरे वाह सही है। जी मैं चेन्नई में रहा हूँ ना 1 साल। हाँ, शॉलिंग लनूर करके जगह है, आई नो लिटिल बिट तमिल ऑल्सो। हाँ अच्छा, जी बोलिए। हाँ बोलिए आंचल तो एक्चुअली हमारे फैमिली में एक बेबी बॉर्न हुआ है जो दुबई में हुआ है, बट वो वहां के 11:30 बजे रात के पैदा हुआ है 17 अगस्त को, बट अपने इंडिया में तो हो गए थे 1:30 2। तो अब इस ऐसे केस में हम कौन सी डेट लेते हैं? वो है इंडिया की और मेरी फैमिली ही है, मतलब हमारी फैमिली की है, वो बेबी बॉर्न होगी तो वो कौन सा डेट लिया जाएगा? लाइक वो 17 तो तो वहां पे हुई क्योंकि 11:30 थे, तो 12 नहीं बजे थे दुबई में, लेकिन वाह। अब इंडिया में देखो तो यहाँ 1:30 2 बज गए थे। तो मैम हम 17 अगस्त लेंगे या 18 अगस्त लेंगे, वन मोर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, मैं मीटिंग लीव करके जा रहा हूँ। चलो पता क्या करो, आप जो कभी भी कोई जगह होती है ना तो वो देशपाल का देश काल पात्र के हिसाब से होती है, तो आप डाउट। वहीं का पकड़ो, वो सही रहेगा। मतलब जहाँ पे हुआ है ना बेबी वहीं का पकड़ो, सही रहेगा। डेफिनेट तो 100% होगा 100% वो 17 ही पकड़ना है, 100% कोई डाउट ही नहीं है। बिकॉज वो मेरे को पूछ रहे थे बिकॉज उनको पता चला कि मैं न्यूमरोलॉजी करी हूँ, अच्छा तो मैंने 17 आपको, है या 18। मैंने आपको बोला था ना जब तक पूरी तरह न्यूमरोलॉजी ना सीख जाओ किसी को बोलना नहीं है। अच्छा आपको नहीं बोला था क्या? बोला था ना मैंने आपको, नहीं बोला मैंने होगा। आपके वीडियो भी सुना था एक बार, अच्छा नहीं ठीक उनको, है। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड की बहन है तो वो उनसे छुपा लिए ये बात। लोग ना हल्के में ले लेते हैं, जब आप न्यूमरोलॉजी सीखते टाइम किसी को बता देते हो ना मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ, लोग हल्के में ले लेते हैं ऐसा। ठीक है बताइए। हाँ जी और बोलिए, बस दैट्स इट। और नहीं एक लास्ट डाउट है, आपने ना 9 और 4 का कोई प्रोफेशन क्या होंगे वो नहीं बताया था। अच्छा 9 और 4 का प्रोफेशन नहीं बताया मैंने ना आपको, नोट्स हाँ भेजा है, नोट्स के अंदर 9 के प्रोफेशन भी लिखे हुए हैं, 4 के भी लिखे हुए हैं। नोट्स आपको मिले होंगे ना? मिले हैं नोट्स? चलो मैं वो अलग से उसी भेज में देता हूँ। है, अब वो उसमें उसमें नहीं है शायद। चलो मैं आप अलग से, आई विल सेंड वैसे जनरली क्या होंगे सर 9 और 4, बिकॉज आई एम वेरी नाइन क्यूरियस इफ माई नंबर। नाइन हाँ मैं बोलता हूँ, 9 9 and 4 इज मोर ऑफ अ टेक्निकल नंबर। ऐसा लोग जो है टेक्निकल कामों के लिए अच्छे हैं, और 9 अगर 4 किसी के चार्ट में आता है ना तो मैंने ये देखा है कि वो प्लेन पायलट बनने के, अगर कोई बंदा पायलट बनना चाह रहा है अब तो कहाँ बनोगे, लेकिन अगर कोई पायलट बनना चाह रहा है तो 9 and 4 इज अ गुड नंबर टू बी अ पायलट। अदर थिंग इज कि 9 और 4 के केस के अंदर ये होता है अपना, मतलब कोई भी टेक्निकल काम हो, जैसे कोडिंग हो गया, कोई भी टेक्निकल काम हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सब कर सकते हो। प्लस 9 और 4 के अंदर जो है आप, 9 के अंदर जो है वो मैंने सारे लिखे ही थे पुराने, सारे ऑकल्ट फील्ड हो गया,
और क्या कहते हैं एनजीओ हो गया, लोगों की हेल्प आउट करना हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी नहीं मतलब हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ काम हो गया, हीलिंग हो गई, ये सब आएंगे तो वो मिल जाएंगे आपको सारे उसके अंदर. So can I take this numerology seriously because 9 is the number of occult sciences? हाँ धवल जी दे दूंगा आपको रिकॉर्डिंग. हाँ हाँ नहीं हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. आप सीरियसली ना लेने का आपके पास क्या वजह है, आपको तो सीरियसली लेनी चाहिए. मेरा नंबर 4 मुझे लगता है कि मुझे रोकेगा और समथिंग आई डोंट नो. नहीं नहीं आपके साथ एक ही चीज होगी, अगर आप उससे इंटरेस्ट हटा लोगे कुछ और करने लग जाओगे तो देन यू विल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लीव इट. जब आप कुछ और पकड़ लेते हो, पहली चीज छोड़ देते हो तो यू ऑटोमेटिकली गेट अवे फ्रॉम दैट, है ना. ठीक है आंचल जी मैं मूव ऑन करता हूँ. शालू जी बता दीजिए प्लीज. जी सर थैंक यू. सर ये जो आपने एक अभी बात की थी कि जब हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों के चार्ट में जो नंबर अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो चार्ट जनरली अच्छे होते हैं. शालू जी बोल रहे हो ना. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ जी शालू जी मैं सुन. हेलो मैं सुन रहा हूँ. हाँ जी मैं ये मैं ये बोल रही थी कि जब हम कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अगर न्यूट्रल हैं दोनों तो एंड उनके नंबर कंपैटिबल हैं तो वो चार्ट चल जाते हैं. मतलब आपके एनिमी नंबर्स नहीं होने चाहिए. दैट वाज व्हाट यू मेंट. बिकॉज अगर किंग्स अच्छे हैं, किंग मैच हो रहे हैं या क्वींस मैच हो रहे हैं फिर तो आई मीन नंबर नहीं भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग तो चल जाएगा. लेकिन अब वो किसी ने क्वेश्चन उठा दिया था तो आई हैड टाइम सो आई थॉट ओके आई विल टेक इट बट दैट इज नॉट अ कंप्लीट टॉपिक. ऑलराइट. Another thing is, कई लोगों के चार्ट में ना बहुत थोड़े से नंबर होते हैं, स्पेशली जो अभी मिलेनियल किड्स होंगे उनके तो कईयों के बेचारों के दो दो तीन तीन ही नंबर है. तो ऐसे केसेस में आप कितनी रेमेडीज करा लोगे उनको. नहीं नहीं रेमेडीज ऐसे नहीं करानी ना. आप देखो ना एलिमेंटल रिलेटेड रेमेडीज क्या है. 3 और 4 की एक ही रेमेडी है, 2, 5, 8 की दूसरी रेमेडी है, 9 और 1 की 3 वो रेमेडी है. तो 5 तो रेमेडी बनी और ये सारी रेमेडी जो है ना वो एलिमेंटल रिलेटेड है. वुड हो गई और वो तो वो आप करा सकते हो. उसमें रेमेडी मतलब क्या है, पहनना ही तो है, क्रिस्टल पहनना है और ये अपना वुड की चीज यूज करनी है. इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं कोई प्रॉब्लम लगती. अगर अगर मानो अगर रुद्राक्ष प्लस क्रिस्टल इकट्ठे पहना दिया तो वो तो दोनों एक साथ कवर हो गया. एक हो गए. राइट. आई मीन मैं जनरली जैसे ये मैं इसलिए भी पूछ रही थी जैसे कई लोगों के चार्ट में होता है एक दो नंबर मिसिंग है. जैसे मेरे चार्ट में 2, 4, 8 मिसिंग है. तो ऐसे केस में मतलब फिर ये होता है कि एक आध रेमेडी करने से चल जाता है या आप किसी कॉमन चीज. देखो पता क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि रेमेडी जो हम करवा रहे हैं आप देखो ना वो रेमेडी एक तो किसी से हम कोई पैसे नहीं ले रहे. देखो कोई लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं 5 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, बुध पायरा यंत्र पहन लो. बुध पायरा यंत्र आता है 5100 का. मैं तो आपको कह नहीं रहा बुध पायरा यंत्र पहनो 5100 का. मतलब मैं तो ऐसी कोई चीजें नहीं बता रहा ना जो महंगी है. हम तो ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे हैं शालू जी जो हींग लगे ना फिटकरी में काम हो रहा है, है ना. जब हींग भी नहीं लग रहा, फिटकरी भी नहीं लग रही, नहीं तो मैं भी कह सकता था ना. बट मुझे पता है कि आप जब प्रैक्टिकली काम करोगे तो सामने वाला 5100 रुपए का यंत्र नहीं लेगा. तो इसीलिए हम ऐसी चीजें बता रहे हैं जो कि सिंपल है. तो रुद्राक्ष प्लस क्रिस्टल तो जैसे एक ही में आ गया, उसके बाद वॉच आ गई, वो तो एक ही. उल्टा लोग तो आपको कहेंगे शालू जी और रेमेडीज बताओ. जब आप किसी से प्रोफेशनल कंसल्टेशन लोगे ना 1100, 2100, 3100 तो आपको बोलेगा अच्छा एक ही रेमेडी दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो, फिर तो क्या फायदा हुआ, उल्टा अच्छा रेमेडी मिल रही है. होता है ना एक आई डोंट नो सर अभी आप एडवांस लेवल में क्या कराने वाले. बट आई फील कि जैसे जितनी सिंपलर रेमेडीज होती है ना वो ज्यादा अपील करती है. बिकॉज आप किसी को बहुत कॉम्प्लेक्स चीज बता दो तो बंदा सोचने लग जाता है कि यार ये पॉसिबल है करना या नहीं. 41 डेज ना जाके ना कोयला डाले नहर में वो अब अगर हाँ, अगले वो बंदा पहले ही छोड़ देता है मतलब बस हो गया. अगर ना डाले तो उसकी गलती है. अगर डाल दे तो बोलो दोबारा डाल दिया तो वो प्रॉब्लम हो जाती है. यही मैं आपको सजेस्ट कर रही थी कि कोई ऐसे बहुत सिंपल ना कि जैसे मैं बताता हूँ सिंपल रेमेडीज भी बताता हूँ. मैं तो वैसे जितनी भी रेमेडीज बताई आप देखो ना कितनी सिंपल है. एक रेमेडीज हम और कर सकते हैं सबके लिए है जितने भी लोग हैं. हम ना मेरे एक मोटिवेशनल स्पीकर है मेरे साथ जुड़े हुए समीर नारद जी मुंबई के. तो उन्होंने कोर्स किया था एक टाइम में तो उन्होंने मुझे बोला था अंकित सर आप एक चीज डाल दो. मैंने कभी उस पर सोचा था बट डाला नहीं ऑफिशियली कभी. जो बंदा जैसे जिसके नंबर काम कर रहे हैं ना उस तरह की ना वो विजुलाइजेशन कर सकता है. विजुलाइजेशन में मुझे नहीं पता आप सब जैसे मोटिवेशनल स्पीकर रोहित दवे जी तो जानते होंगे
विजुलाइजेशन कितना अच्छा काम करती है. बड़ा अच्छा काम करती है. मैं खुद भी करता हूँ. जैसे मैच, जैसे विराट कोहली को खेलने जाना है तो आप कई बार विराट कोहली का वो सुनोगे ना इंटरव्यू या धोनी का इंटरव्यू सुनोगे, तो दे ऑलवेज विजुलाइज कि अगले दिन कैसा परफॉर्म करना है. तो ना जैसे आपको मान लो कल का दिन प्लान आउट करना है तो पहले दिमाग में विजुलाइज कर लो कि सुबह उठ के मेरे को पहले हनुमान चालीसा पढ़नी, जो भी हो सकता है, कुछ भी रिचुअल आप कर सकते हो, जो भी आप किसी भी मेरे को ये करना है. मतलब आपने उसको पहले ही जी लिया जो कल होने वाला है. देन वो आप जब कल दिन आएगा तो यू आर रेडी. आपका माइंड पहले ही कंसीव कर चुका है कि मैं ये, और वो विजुलाइजेशन मतलब स्ट्रांगली विजुलाइज करना है. ऐसे नहीं कि वीक मन से विजुलाइजेशन नहीं होती, मतलब एकत्रित और कॉन्सेंट्रेटेड मन से विजुलाइजेशन होती है. दूसरा क्या मैं रेमेडी में आपको बता रहा था, जो मेरा मेन मुद्दा है जिस पे मैं आ रहा हूँ. मानो किसी के चार्ट के अंदर मान लो तीन नंबर है. जैसे मान लो मैं तीन नंबर वाला हूँ तो मैं किस तरह की विजुलाइज करता हूँ, या अभी भी करता हूँ, या पहले किस तरह की विजुलाइजेशन करता था कि बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे से टीचिंग कर रहे हैं, मैं उनको सर्व कर पा रहा हूँ, मैं उनको नोट्स दे रहा हूँ, वो मुझे थैंक यू बोल रहे हैं. ये सब चीजें मैं प्रेजेंट में मानता था कि ऐसा हो रही है. ऐसा होंगी नहीं, ऐसा हो चुका है. जो चीज आप एफर्मेशन का मतलब ये है कि जो चीज आप चाह रहे हो वो आप करंट में देखो ऐसा हो चुका है. क्योंकि करंट में जब आप कोई चीज सोचते हो तो वो एक्चुअल में रियल, आप करंट में ही तो सोचोगे, मतलब वो आपके लिए उस टाइम तो रियलिटी हो जाएगी ना, क्योंकि आप सोचोगे तो वो रियलिटी तो हो ही गई उस टाइम. तो आपका जो नंबर है ना, जैसे मान लो आपका नंबर दो है, तो दो नंबर वाले क्या चाहते हैं? दो नंबर वाले चाहते हैं क्रिएटिविटी हो, उनको लोग बड़ा पैम्पर करें. दो नंबर में होता है ना, सेंसिटिव लोग हैं, पैम्परिंग चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं, लोग वो चाहते हैं, लोग उनसे पूछते हैं मैम आप कैसे हो, सर आप कैसे हो, मतलब उनके अंदर एक पैम्परिंग एक टच है, सेंसिटिविटी है ना. तो दो नंबर वालों को ऐसी विजुलाइजेशन करनी चाहिए कि बहुत सारे लोग उनको आ रहे हैं, उनको मतलब प्यार से बोल रहे हैं, उनका खाने की तारीफ कर रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहे हैं. ऐसे ही जो चार नंबर वाला है वो चार नंबर के हिसाब से उसकी वो मतलब वो विजुलाइज वैसे ही करे. तो जब आप होना चाह रहे हो, आप अगर वो विजुलाइज करोगे ना लंबे टाइम तक, तो आप वो हो जाओगे. एट नंबर वाला बंदा है, वो चाह रहा है चीजें मैनेज कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहा है, मेरी सारी टीम मेरी बात मान रही है. एट नंबर की इस तरह की विजुलाइजेशन हो सकती है. तो हर नंबर के हिसाब से ना हम विजुलाइजेशन टेक्निक्स लिख सकते हैं, फिर उसको वो भी दे सकते हैं. बट मैंने इस पर कभी काम नहीं किया, बट वी कैन डू दिस वर्क. मतलब अगेन दिस इज वर्क दैट न्यूमरोलॉजी टॉपिक के बाहर है, बट वी कैन इंक्लूड दिस. This is more of a psychological therapy, जैसे आप पहले बात कर रहे थे. हाँ, मतलब वो जैसे वंदना जी ने बोला था ना कि वंदना जी ये बात कह रही थी कि गोल सेटिंग साइकोलॉजी, मास्टर इन साइकोलॉजी है ना उनका. तो जो बंदा जिस भी नंबर की एनर्जी से बिलोंग कर रहा है, हम उसको वो विजुअलाइजेशन टेक्निक दे सकते हैं. जैसे मैं एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, कभी भी ना जो चीज, जैसे ये मत बोलो कि मेरा बॉस बेकार है, ये मत बोलो कि मेरी वाइफ बहुत चिड़चिड़ी है या मेरा हस्बैंड बहुत चिड़चिड़ा है. ये बोल, अगर बोलना ही है तो ये बोलो कि मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है. मतलब आउट मैसेज टू द यूनिवर्स कि जो चीज आप चाह रहे हो ना वो बोलो. कंप्लेन ही करते रहोगे तो चलो पता ही है, सबको ही पता है वो प्रॉब्लम तो है ही, बट उससे वो जाने वाली नहीं है. लेकिन अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे ना तो वो एफर्मेशन काम करने लग जाती है. ये मैं अपनी कंसल्टेशन में भी लिखता हूँ बहुत लोगों को कि स्टॉप सेइंग, स्टॉप यूजिंग, स्टॉप, डू नॉट कंप्लेन फॉर नेक्स्ट 41 डेज. ये भी एक बहुत बढ़िया टेक्निक काम करती है, डू नॉट कंप्लेन फॉर नेक्स्ट 41 डेज. सर बेसिकली विजुलाइजेशन दैट यू हैव गॉट दैट थिंग, आपने वो चीज ले ली है, ऐसा सोच के विजुलाइज करो. महंगी कार या महंगा बंगला, आप उसको सोच के कि आई हैव गेट दिस, इसी तरह से करो. बस मेरे को एक प्रॉब्लम लगती है इस विजुलाइजेशन टेक्निक में, मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कि विजुलाइजेशन विदाउट डूइंग दैट एक्चुअल एफर्ट इज अ वेस्टेज. अगर ट्रेनर होना चाह रहा हूँ, तो मैंने 2019 में एक बार सोचा, 2019 में मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन स्टार्ट कर दी कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, लोग मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं. बट मैंने उसके लिए 16 घंटे काम भी किया ना, आई डिडंट स्टॉप इट देयर. तो विजुलाइजेशन विदाउट, जो मोटिवेशनल स्पीकर आगे बोलते हैं आप सोच लो आप हो जाओगे, डजंट वर्क लाइक दिस ना. उसके लिए वो हार्ड वर्क भी लगेगा, बट विजुलाइजेशन विल हेल्प. यू आर राइट, यू आर राइट. नहीं सर, नहीं, एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे सर. यू आर राइट सर. एक्चुअली विजुलाइजेशन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीमिंग, वो डे ड्रीमिंग में आ जाता है. तो वो प्रॉब्लम. यस यस, एग्रीड एग्रीड एग्रीड. यस, डे ड्रीम एंड विजुलाइजेशन डिफरेंट है. हां सर, इसलिए माइंड बॉडी एंड सोल बोला जाता है सर. बिल्कुल बिल्कुल. क्या बोला? विजुलाइजेशन विदाउट हार्ड वर्क और विदाउट एक्शन टेकिंग, सर माइंड बॉडी एंड सोल इसलिए बोला जाता है सर. हाँ, कमलेश जी बोल रहे हैं. अनुराग अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, बड़ा मजा आया आज आपके साथ अनुराग जी, बहुत अच्छी चीजें ऐड करी आपने. ठीक है शालू जी, और कुछ ऐड करना चाह रहे हो? नहीं, दैट्स ऑल सर, थैंक यू, थैंक यू. अच्छा, दिस होल ब्रांड जो बत्रा न्यूमरोलॉजी ब्रांड है ना, एज अ मैं, मेरे को आपको जो भी मार्केट के अंदर जो भी कोई कुछ पढ़ा रहा है ना न्यूमरोलॉजी में, सब हम लोगों को पता है और बहुत ही ज्यादा पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई इंक्लूड दिस डिफरेंट टॉपिक्स क्योंकि मेरे को लगता है कि स्टिल इट्स अ
इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें अभी इजाद होनी बाकी हैं. सो इसलिए वी नीड टू कीप थिंकिंग ऑन दैट पार्ट कि आप सोचते रहो कि और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है. जितना आपको मार्केट के अंदर जो भी आप यूट्यूब वीडियो देखोगे ना, कहीं भी देखोगे, वो सब हम लोगों को पता ही होगा. ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, बट एक लेवल अहेड हम तभी जाएंगे जब हम लोग रिसर्च पे भी काम करते रहेंगे, है ना. साथ में बहुत सारे लोग प्रिंसिपल हैं, मास्टर इन साइकोलॉजी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं. सो यू कीप डूइंग दैट रिसर्च, ऐसा बोल रहा हूँ. तो आप कोई भी वीडियो नेट पे देख के आओगे ना, मेरे को बोलोगे ना ये क्या है, मेरे को पता ही होगा. ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा. अगर उसने कुछ और ही किया हुआ है, सिद्धि है उसके पास, कोई सिद्धि है, तो फिर एक अलग बात है. लेकिन न्यूमरोलॉजी से जो पॉसिबल है इन तीनों मेथड से, पाइथागोरियन से, लोस्ट ग्रिड से, चाइल्डियन से, वो अपने पास है. हाँ बोलिए, अभी आप बोलिए सर. वो आप नाम के मुताबिक जो नंबर देते थे ना, वो शायद मेरा मिस हो गया था. वो आप बताओगे बाद में कभी, नेक्स्ट टाइम या कभी. नाम के मुताबिक नंबर बोलो तो. आपने नेम का भी कोई नंबरिंग होता है, जैसे ये किंग पिन, इसके अलावा नेम के? नहीं, वो मैंने इस लेवल पे कवर ही नहीं किया. कवर ही नहीं किया. ओके 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 ओके, ठीक है, चलो. तो थैंक्स अ लॉट, एंड मैं आशा करता हूँ आपको बहुत सारी वैल्यू मिली. नाइन एट का प्रॉब्लम बताते जाओ सर अरे नाइन एट का विल डिस्कस अभी करेंगे कोई नहीं, अभी आप. ओके 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 सर, डू यू. ओके, सो क्या बोल. Thank you and goodbye to all. एक चीज है, मैंने आपको, thank you and goodbye to all. मैंने आपको दो टास्क दिए हैं, प्लीज दो टास्क मत भूलना. एक टास्क दिया साइंटिस्ट का डेटा रिसर्च, साइंटिस्ट का डेटा रिसर्च करना है, और पांच नंबर पे रिसर्च करना है. कोई भी बंदा अपने टास्क को मत भूलो. अगर लाइफ, अगर न्यूमरोलॉजी में आगे बढ़ना है, न्यूमरोलॉजी, अगर आपको न्यूमरोलॉजी ढंग से आ गई तो मनी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा. कंसल्टेशन दोगे लोगों को तो पैसा तो आ जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है. बट वो तभी आएगा ना जब रिसर्च करेंगे. विदाउट रिसर्च क्या होगा? विदाउट रिसर्च तो नहीं होने वाला है ना. मेरा हुआ रिसर्च के बिना ना आपका होगा. तो प्लीज रिसर्च पार्ट पे जरूर काम करना. थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं या प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, वो तो मैं आपको कन्वे कर ही दूंगा, है ना. मैंने बोला पायलट के लिए नो चार नंबर चाहिए, तो पता तो चली गया. बट रिसर्च करेंगे तो देन इट विल बी गुड एज वेल, है ना. यस यस, एग्री एग्री. हां जी, ठीक है. सो थैंक्स एवरीवन. थैंक यू थैंक यू सर. बाय.